महाराष्ट्र में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का खत उद्धव सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। परमवीर के इस खत पर देश में सियासत भी गरमाई हुई है। पवार साहब का पहला स्टेटमेंट बहुत महत्व का था। उन्होंने कहा यह बहुत गंभीर आरोप है। अगर आरोप गंभीर है तो सबसे पहले गृह मंत्री को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। भाजपा महाराष्ट्र की मौजूदा महाविकास अघाड़ी सरकार पर लगातार हमलावर है। परमवीर सिंह के खत में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सीधा आरोप है। अनिल देशमुख राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता हैं। इस वजह से आरोप के छींटे पार्टी प्रमुख शरद पवार पर भी पड़े हैं। अनिल देशमुख पर लगे आरोपों के बारे में जब शरद पवार से पूछा गया तो उन्होंने परमवीर सिंह को कटघरे में खड़ा कर दिया। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि गृह मंत्री पर लगे आरोप गंभीर हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चिट्ठी पर परमवीर सिंह के हस्ताक्षर नहीं हैं। उन्होंने सचिन वाझे की नियुक्ति पर उठ रहे सवालों पर भी सीएम और गृह मंत्री का बचाव किया है। आइए आपको बताते हैं शरद पवार ने परमवीर सिंह के खत से जुड़े सवालों पर क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वाझे का निलंबन खत्म करने का फैसला परमवीर का था। शरद पवार ने सवालों पर काउंटर अटैक करते हुए कहा कि कमिश्नर पद से हटाए जाने के बाद परमवीर आरोप क्यों लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच के लिए मुख्यमंत्री के पास पूरा अधिकार है। परमवीर सिंह ने चिट्ठी में सिर्फ आरोप लगाए हैं लेकिन इसका अभी तक कोई सबूत नहीं है। यह नहीं बताया गया है कि पैसा गया कहां। पवार ने कहा अब सरकार ने परमवीर सिंह को पुलिस कमिश्नर से हटाकर होमगार्ड में भेजा तो उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। ये बात उन्होंने तब क्यों नहीं कही जब वे सीपी के पद पर थे। बात ऐसी है कि ये होने के बाद जहाँ तक मुझे मालूम है तो मुख्यमंत्री ये इशू सीरियस ले रहे थे, मैं जानता था। और इस बारे में जो कुछ कदम उठाने की आवश्यकता थी वो आवश्यकता पर अमल करने की तैयारी उनकी थी। उसी समय हमने ये देखा कि प्रतिपक्ष के नेता दिल्ली में आकर जाने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली। उन्होंने डिमांड किया, मैं ये समझ सकता हूँ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की ये जिम्मेदारी है और इसलिए उन्होंने इस तरह की डिमांड की होगी, तो मैं कोई इनको कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता। शरद पवार ने कहा मुझे नहीं पता है महाराष्ट्र सरकार गिराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं या नहीं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि सरकार पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होगा। शरद पवार ने कहा गृह मंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास है। पवार ने कहा विपक्ष का मांग करना उनका हक है पर सरकार को कोई खतरा नहीं है, इसका सरकार पर कोई असर नहीं होगा। अनिल देशमुख पर हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, पार्टी के लोगों से बात करेंगे और अनिल देशमुख से भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। कल परसों तक मिलकर हम लोग देशमुख पर फैसला ले लेंगे। पवार ने कहा कि मैं खुद मुख्यमंत्री से बात करूंगा और उनसे कहूंगा गृह मंत्री पर गंभीर आरोप लगे हैं, इसलिए इस मामले की ऐसे अधिकारी से जाँच कराई जाए जिनकी निष्ठा अच्छी हो। पवार ने कहा सचिन वाझे को वापस लाने का फैसला खुद पुलिस कमिश्नर का था। हिरेन की पत्नी ने आरोप लगाया है कि वाझे उनकी मौत के लिए जिम्मेदार है। वाझे को वापस लेने में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का कोई रोल नहीं है। बता दें कि परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। परमवीर सिंह ने कहा कि अनिल देशमुख ने सचिन वाझे को अपने पास बुलाया था और उनके लिए हर महीने होटल, रेस्टोरेंट, बियर बार व अन्य जगहों से 100 करोड़ रुपए की उगाही करने को कहा था। इसके बाद से ही महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल भी अनिल देशमुख का इस्तीफा मांग रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।